गिरी नदी में लोग गर्मी से राहत पाने और मौज मस्ती के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उसी शांत नदी में उनकी मौत उनका इंतजार कर रही है, क्योंकि जैसे ही वे नदी में तैरने के लिए उतरते हैं, कुछ ही समय बाद नदी का पानी उन्हें अंदर खींच लेता है। गिरी नदी जहां लोग गर्मी से राहत पाने और मौज मस्ती के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उसी शांत नदी में उनकी मौत उनका इंतजार कर रही है, क्योंकि जैसे ही वह नदी में तैरने के लिए उतरते हैं, कुछ ही समय बाद नदी का पानी उन्हें अंदर खींच लेता है और जब उसे बाहर निकाला जाता है तो केवल उसकी लाश ही बाहर निकलती है। इस साल करीबन दर्जनभर युवाओं को ये नदी अपना निवाला बना चुकी है, लेकिन नौजवान है कि फिर भी यहाँ पर आने से बाज नहीं आते हैं। और इस नदी में अब तक एक इंजीनियर वरुण शर्मा की डूबने से मौत हुई है। ये युवक पठानकोट का बताया जा रहा है, जो कि राजपुरा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहा था। सूत्रों की माने तो वरुण कुछ दिन पहले ही यहाँ आया था और उसे इस जगह से बहुत लगाव हो गया था, इसलिए वे अपने और मित्रों के साथ यहाँ घूमने आया था। लेकिन अफसोस की बात है कि इस नदी ने उसे निगल लिया। समाजसेवी जगमोहन मल्होत्रा ने सिरमौर और सोलन के प्रशासन से अपील की है कि वह यहाँ होमगार्ड और पुलिस के जवानों को तैनात करे और इस नदी में जहाँ हादसे होते हैं वहाँ कंटीले तारे लगाए, ताकि इस तरह का हादसा नहीं हो सके। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले भी यहाँ पर एक युवक की मौत हो चुकी है और यहाँ अक्सर इस तरह की घटनाएँ बढ़ रही हैं, जिस पर निश्चित तौर पर अंकुश लगाना चाहिए। गिरी नदी में डूबने से एक इंजीनियर की मौत हो गई और उससे पहले लगभग 15-20 दिनों में एक और नौजवान वहाँ पर डूब गया था। और गिरी नदी में इस प्रकार की कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, मगर वहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऐसा इंतजाम नहीं है जिससे कि जो जाने वाले पर्यटक या दूसरे लोग हैं उनको किसी प्रकार की जानकारी हो कि किस क्षेत्र में वो जाएँ और किस क्षेत्र में ना जाएँ। वहाँ पर जिला प्रशासन को, वैसे तो वो क्षेत्र सिरमौर जिला में आता है और कुछ भाग उसका सोलन जिला में पड़ता है, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहाँ पर चाहे पुलिस होमगार्ड की किसी की तैनाती हो जो कि दूसरे बच्चों को वहाँ या लोगों को जाने से वहाँ पे रोके, उस क्षेत्र में जहाँ पर पानी बहुत गहरा है। सोलन में लगभग 3-4 यूनिवर्सिटियाँ हैं, ये एजुकेशनल हब है, यहाँ से बहुत बच्चे घूमने के लिए गिरी पुल चले जाते हैं और दूसरे सैलानी भी जो सोलन इस क्षेत्र में आते हैं उनकी जान को ये गिरी नदी एक खतरा बन रही है। तो इस प्रकार से सरकार को वहाँ पे फेंसिंग करनी चाहिए, तार लगानी चाहिए, ताकि उस क्षेत्र में कोई भी ना जा सके जिस क्षेत्र में पानी गहरा है और जहाँ पर डूबने का खतरा है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तैरना नहीं आता, वो तो सिर्फ घूमने के लिए उसके लिए पानी में उतर जाते हैं और उन्हें पानी का किसी प्रकार का कोई आइडिया नहीं होता कि पानी किस प्रकार से बढ़ेगा, कम होगा या कितनी गहराई है। इसलिए मैं ये मांग करता हूं कि प्रशासन जल्दी से जल्दी इस पे संज्ञान ले और उस क्षेत्र को तारबंदी कर दे और वहां पे किसी व्यक्ति की नियुक्ति करे ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाएं भविष्य में ना हो। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एसटूडे के साथ। नमस्कार।